हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय एकेडमी। आज हम एवरेज का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। हमने आपको लेक्चर नंबर 1, 2, 3 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ कराए और कुछ थ्योरी बताए थे फर्स्ट लेक्चर में, तो आप उसे ज़रूर देख लें अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। तो चलिए आज का लेक्चर हम क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं और क्वेश्चन करते जाएंगे, हम एक एक चीज़ें सीखते जाएंगे, शॉर्टकट मेथड हो या उसका ट्रिक हो। तो चलिए क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 8 आंकड़ों का औसत 20 है, पहली दो आंकड़ों का औसत 16 है यानी 16 है, तथा अगले तीन का औसत 21 है। यदि छठा आंकड़ा 7वें से 4 कम तथा 8वें से 7 कम है तो 8वां आंकड़ा ज्ञात करें। देखिए आंकड़े मतलब नंबर। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 20, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 16, एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 3 नंबर इज 21। इफ द सिक्स्थ नंबर इज 4 एंड 7 लेस बाई द 7th एंड 8th नंबर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द 8 नंबर्स। देखिए इस क्वेश्चन को अप्रोच हम कैसे करेंगे, आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कैसे हम इसको, जैसे 8 आंकड़े हैं तो मान लीजिए 3, 4, 5, 6, 7, 8 आंकड़े हैं, 8 आंकड़े का औसत 20 है, तो ये मान लेते हैं कि हमें सभी आंकड़ों का औसत 20 है। ये मानना नहीं है, दिया हुआ है 8 आंकड़ों का औसत 20 है। तो पहले दो का आंकड़ा 16 है, तो पहले दो का आंकड़ा 16 है, दो आंकड़ों का औसत 16 है। अगले तीन आंकड़ों का औसत 21 है, तो ये तीन आंकड़ों का औसत 21 है यानी 21 है। तो सातवें, अब ये नेक्स्ट जो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, यदि छठा आंकड़ा 7वें से 4 कम तथा 8वें से 7 कम है, तो ये नेक्स्ट हम बात करेंगे। पहले हमें ये तीन नंबर का एवरेज पता करनी होगी। तो आपको मैंने बताया था कि अगर ये दो नंबर का आंकड़ा, अगर ये हमने 20 एवरेज माना है, टोटल दिया हुआ है अगर, तो ये बेसिकली माना नहीं है, दिया हुआ है यहाँ 20 औसत, 8 आंकड़ों का औसत, तो टोटल 8 आंकड़े हैं उसका 20 है। तो अगर ये संख्या कम है तो जितने कम है हम आंकड़ा से उतना यहाँ लिख दीजिए, माइनस 4 कम है कितने संख्या पर 2, यानी यहाँ से माइनस 8 कम है। यहाँ पे देखिए एक ज़्यादा है यानी प्लस 1, कितने संख्या है 1, 2, 3 यानी 3 यानी प्लस 3, तो टोटल कितने ज़्यादा हुए, माइनस 8 सॉरी कम हो गए यहाँ, माइनस 8 प्लस 3 यानी कि यहाँ हो गए माइनस 5 कम। तो जो ये माइनस 5 आया वो यहाँ पे माइनस 5 जो यहाँ माइनस, यानी कि ये जो संख्या है ये माइनस कम है तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसका जो भी संख्या यहाँ पे जो आता है माइनस 8 और माइनस माइनस 8 प्लस 3 यानी माइनस 5 आया इनमें, यानी कि ये जो दो संख्या है ये माइनस 8 कम है एग्जैक्ट एवरेज से, जो दिया हुआ औसत है उससे माइनस 8 कम है, ये प्लस 3 ज़्यादा है। नॉर्मली अगर दो आंकड़ों का 16 है तो 16 दूना 32 हुआ, बट आप देखिए टोटल का आंकड़ा का एवरेज 20 है यानी प्रत्येक प्रत्येक संख्या 20 है, तो यानी 2 का 40 होना चाहिए, बटा तो रहा है 32 यानी माइनस 8 ऐसे ही कम है। तो ये निकालने का तरीका है कि जितना कम है वो माइनस में करेंगे 4 और 2 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, अगर दो संख्या है, अगर यहाँ तीन संख्या है तो 3 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो ये माइनस 5 है यहाँ पे कम हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस 5 जोड़ देंगे, बट जितनी संख्या होगी उससे डिवाइड कर देंगे यानी 3 से डिवाइड कर देंगे। तो जो भी संख्या यहाँ, ये तीनों का औसत 20 है यानी सभी संख्या प्रत्येक संख्या 20 है, तो 20 प्लस ये 5/3 हो जाएगा, इसका एवरेज फाइनल एवरेज जो होगा वो इतना आ जाएगा। यानी जो ये तीन संख्याओं का जो एवरेज आया वो यहाँ पे ऐड करने के बाद जो ये संख्या आई इसको ऐड कर देंगे, तो 20 + 60 यानी 65/3 यानी 21.2/3 आ गया इसका एवरेज। तीन संख्याओं का एवरेज हमें यहाँ पता चल गया 21.2/3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है, आपका 9वां 8वां आंकड़ा पूछा हुआ है, पहला ये कह रहा है, ये मान लीजिए आप ये जो 6 नंबर, ये 1 नंबर हुआ, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 8 टोटल 8 है, तो 8 है 7 है 6 है। तो आंकड़ा क्वेश्चन में कह रहा है जो 6th नंबर है, 6 छठा आंकड़ा 7वें से 4 कम है तथा 8वें से 7 कम है। तो मान लीजिए ये x है, अगर 6 नंबर x है,
तो सातवें से चार कम है, यानी इसका मतलब एक्स सातवां जो होगा एक्स प्लस फोर हुआ होगा, तभी तो ये एक्स कम है, सॉरी चार कम है तो सिक्स एक्स हो गया, और आठवें से सात कम है यानी एक्स प्लस सेवन हुआ होगा आठवां आंकड़ा। तो ये तीनों का जो एवरेज है वो कितना है, 21.2/3। तो तीनों का एवरेज निकाल दीजिए। तो तीनों का एवरेज निकालने के लिए टोटल संख्या का हम एडिशन करते हैं, बटन नंबर ऑफ संख्या करते हैं। तो ये तीनों को ऐड कर दीजिए, एक्स प्लस फोर प्लस एक्स प्लस सेवन बाई तीन से डिवाइड करेंगे कि नंबर ऑफ संख्या, इसका एवरेज कितना दिया हुआ है निकाले हमने, 21.2/3, तो 2/3। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, जो एक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी वो आएगी 18। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, एक्स प्लस फोर प्लस एक्स प्लस सेवन जो आएगी, एक्स की वैल्यू 18 आएगी। तो जो आपका सिक्स नंबर होगा वो एक्स के इक्वल है तो 18 हो जाएगा, और सेवन्थ नंबर होगा उसमें एक्स प्लस फोर है यानी 22 हो जाएगा, और जो एट नंबर है एट्स नंबर एक्स प्लस सेवन है यहाँ देखिए वो हो जाएगा 18 प्लस 7 यानी कि 25। तो ये तीनों संख्या अगर आपसे क्वेश्चन में आठवां आंकड़ा ना पूछ के आपका नौवां दसवां सॉरी नौवां तो पूछ ही नहीं सकता, आठवीं आंकड़ा अगर सिक्स और सेवन आंकड़े दिए पूछे होते तब आप एक एक करके यहाँ से कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये थोड़ी सी सीखनी है कि तीनों संख्या आपको पता है एवरेज कैसे निकालता है, तीनों संख्या का एडिशन बाई थ्री। तो पहला नंबर एक्स है, दूसरा नंबर एक्स प्लस फोर है, तीसरा नंबर एक्स प्लस सेवन है, तो तीनों का ऐड करेंगे बटा थ्री करेंगे, और एवरेज हमने निकाल रखा है यहाँ पे तीन संख्याओं का एवरेज यहाँ से, और ये प्रीवियस लेक्चर में भी एवरेज निकालने का मैंने आपको बताया था। तो ये यहाँ से आपका निकल गया, इस क्वेश्चन का आंसर आपका आठवां आंकड़ा पूछा हुआ था यानी 25 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पहले पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी यानी 23 वर्ष थी, 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तथा आज पति पत्नी व उनके बच्चों की औसत आयु 20 वर्ष है, तो बच्चे की उम्र ज्ञात करें। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। 5 ईयर एगो द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ वॉज 23 ईयर, टूडेज द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रेन इज 20 ईयर, हाउ ओल्ड इज द चाइल्ड। तो इसके देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए इसमें आपको हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रेन इनका एवरेज एज दिया हुआ है 20 वर्ष। तो आपको ये आपको अभी ये 20 वर्ष है एज, बट ये कह रहा है 5 वर्ष पहले। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर देखिए तीन संख्या हो या चार संख्या हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर प्रत्येक संख्या में ये इसको आप एवरेज में ये बेसिकली इसका नाम हम दे देते हैं कि एज ऑपरेशन, बेसिकली एज ऑपरेशन इन एवरेज। बेसिकली ये होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी का एज दो लोग हैं या तीन लोग हैं या चार लोग हैं, सभी के एज में दो दो साल का इंक्रीमेंट अगर होता है, मान लीजिए चार लोग हैं तो दो 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 साल का सभी में इंक्रीमेंट होता है, तो फाइनल जो एवरेज में कितना का चेंजिंग होगा वो ए प्लस टू, यानी उनका एवरेज अगर पहले ए था तो उसमें चेंजेज ए प्लस टू का ही होगा। अगर यही संख्या सभी के एज में -2 -2 -2 होता है तो जो आपके एवरेज है उसमें से -2 फाइनल एवरेज होगा, यानी किसी के एज में मतलब जो भी सभी के एज में अगर चार लोग हैं तो चारों के एज में मल्टीप्लीकेशन होता है 5 5 से मान लीजिए, तो फाइनल जो एवरेज होगा उसमें जो पहले एवरेज होगा उसमें 5 से मल्टीप्लीकेशन होगा। ये बेसिकली एज ऑपरेशन है, ये कि कैसे एवरेज ऑपरेशन है कि एवरेज कैसे चेंज होता है अगर कोई इंडिविजुअली सभी संख्या में घटती है बढ़ती है मल्टीप्लीकेशन होता है। अगर सभी संख्या में डिवाइड होती है मान लीजिए 5 5 से 5 लोग हैं या 4 लोग हैं तो फाइनल जो एवरेज में आएगा वो भी 5 से डिवाइड होगा। ये बेसिकली एवरेज ऑपरेशन कहा जाता है, इसको लिख लीजिए एवरेज ऑपरेशन, एवरेज ऑपरेशन। तो देखिए अगर अभी इनकी उनके बच्चों की औसत आयु तो आज उनकी 20 वर्ष है, बट करें 5 वर्ष पहले पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी, तो अभी कितनी है। अगर देखिए 5 वर्ष पहले उनकी औसत आयु 23 वर्ष थी, तो मैंने आपको बताया कि सभी के अगर 5 वर्ष पहले पति पत्नी के एवरेज एज यानी औसत 23 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद
आज यानी सभी में कितने कितने ऐड हुए, प्लस फाइव फाइव, तो जो भी एवरेज है उसमें से प्लस फाइव ऐड हो जाएगा फर्स्ट नंबर। ये फर्स्ट नंबर रूल है, ये माइनस सेकेंड, मल्टीप्लीकेशन थर्ड और डिवीजन फोर्थ, ये चार ऑपरेशन है। तो यानी फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग इनकी एज अब 23 प्लस 5 यानी 28 हो जाएगी, यानी इनकी एज 28 हो गई, हस्बैंड और वाइफ की आज का एवरेज 28 हो गया। हमने दिया कितना है क्वेश्चन में, 20 ईयर है इनकी एज। तो आपको पता है कि ये आपको एवरेज मैंने फर्स्ट लेक्चर से ही बताते आया हूँ कि ये अगर दो संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है, हस्बैंड और वाइफ का, टोटल एवरेज पता है, तो आपको यहाँ कितना अधिक है, प्लस 8 अधिक है 20 से, तो प्लस लिखेंगे। अगर ये माइनस 20 से कम होता तो यहाँ माइनस लिखते, और दो संख्या है तो दो से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी प्लस 16, प्लस 8 दूना 16, यानी जो 16 है वो यहाँ पे जो इनकी फाइंड आउट करना है हमें एज, एवरेज एज, तो एक है तो एज पता चल गई, तो ये माइनस 16 करेंगे। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस करते, और एक संख्या एक यानी माइनस 16 यानी जितना एवरेज है टोटल उसमें से माइनस 16 माइनस कर देंगे, यानी 20 ईयर है एवरेज एज तीनों का, और माइनस 16 कर देंगे, यानी सी का जो चाइल्ड का हो एज वो 4 ईयर होगा, यानी कि 20 माइनस 16 इजकल टू 4 ईयर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 4 ईयर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 3 वर्ष पहले पांच व्यक्तियों के परिवार की औसत आयु 17 वर्ष है। इस परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ तथा आज भी परिवार की औसत आयु वही है, तो बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 वर्ष पहले पांच व्यक्तियों के परिवार में औसत आयु 17 है, बट एक बच्चे का जन्म होने से परिवार का जो औसत आयु है वही है, तो बच्चे का जन्म बताना है, बच्चे की आयु बताना है कि कितने ईयर का बच्चा है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम का है तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। 3 ईयर एगो द एवरेज ऑफ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स वाज 17 ईयर। अ बेबी हैविंग बीन बोर्न द बॉर्न द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज द सेम टूडे, फाइंड द एज ऑफ चाइल्ड। तो देखिए आपको मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए 5 फैमिली है मेंबर, 2, 3, 4, 5, और एक बच्चा आया, और इनकी एवरेज जो है शुरू में से ही 17 ईयर है 3 वर्ष पहले ही, तो 3 वर्ष पहले ही है उनकी 17, बट पांच लोगों की आपको मैंने बताया था कि 3 वर्ष पहले, तो आज क्या होगी उनकी, पांच व्यक्तियों की आयु 20 होगी, यानी कि ए प्लस 20। अभी आपको फर्स्ट ऑपरेशन जो बताया था मैंने एवरेज ऑपरेशन, उसके अकॉर्डिंग 3 वर्ष पहले और 17 है, तो इसमें कह रहा है एक बच्चे का जन्म हुआ आज भी परिवार की औसत वाही आयु वही है, यानी आज भी 17 है, तो आज सभी परिवार की यानी सभी बच्चों को लेके, यानी 5 मेंबर फैमिली के और एक बच्चे का जन्म हुआ उसको लेकर 17 ईयर अभी आज एवरेज है। बट कह रहा है कि 3 वर्ष पहले 17 थी पांच ही व्यक्ति में, तो यानी कि अभी इनकी एज 20 वर्ष हो गई एवरेज एज, ये पांचों मेंबर की एवरेज एज 20 वर्ष हो गई, क्योंकि मैंने अभी ऑपरेशन बताया था कि अगर 5 वर्ष पहले अगर हो रहा है तो उसमें एडिशन होता है, तो टोटल एवरेज में एडिशन भी होता है अगर सभी में इंडिविजुअली, यानी 3 3 वर्ष पहले अगर किसी व्यक्ति की आयु 5 वर्ष थी तो आज वो 8 वर्ष हो जाएगी, यानी कि 3 वर्ष पहले सभी की औसत आयु 17 थी, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का एज 17 साल था, तो 3 वर्ष बाद उनकी एज 20 साल हो जाएगी, यानी प्रत्येक व्यक्ति का एज 20 साल हो जाएगी, यानी एवरेज 20 साल हो जाएगी, तो ये 20 साल। तो मैंने आपको बताया था टोटल एवरेज जो है उसमें से ये अगर संख्या ज़्यादा है तो प्लस लिखते हैं, अगर कम है तो माइनस लिखते हैं। तो यहाँ प्लस 3 है, पर कितने व्यक्तियों पे है, 5 व्यक्तियों पे है 5, यानी प्लस 15, प्लस 15 यानी जो भी यहाँ एवरेज है यानी 17 हमने माना है उसमें से ये सभी का एवरेज 17 माना है, तो यानी बच्चे का भी ये 17 माना है, तो माइनस 15 कर देंगे, यानी 2 ईयर जो न्यू बॉर्न बेबी है उसका एज 2 ईयर होगा। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुत्र के विवाह के समय उसकी माता की व उसके पिता की औसत आयु 42 वर्ष थी। कह रहा है क्वेश्चन में कि बेटा का विवाह हुआ उस समय उसकी माँ की और पिता की आयु 20 42 वर्ष थी। शादी के 1 वर्ष बाद परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ तथा आज
शादी के 6 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु 36 वर्ष है, तो शादी के समय दुल्हन की उम्र क्या थी बताइए। देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट ये बहुत सिंपल तरीका से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो एक क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए इंग्लिश में। द एवरेज ऑफ एज ऑफ द मदर एंड फादर एंड सन वाज 42 ईयर। यहाँ पे देखिए ये तीनों का एज का यानी कि पुत्र के विवाह के समय समय उसकी और उसके यहाँ जोड़ लीजिए उसके माता की और उसके पिता की यानी तीनों के एवरेज एज 42 वर्ष है, तो यहाँ पे और उसके जोड़ लीजिए। इंग्लिश में बोल देता हूँ क्वेश्चन। द एवरेज एज ऑफ मदर फादर एंड सन वाज 42 ईयर एट द टाइम ऑफ द मैरिज ऑफ द सन। After 1 year, an infant was born, and after 6 years of marriage, the average age of the family becomes 36 year. Find the age of the bride at the time of the marriage. तो देखिए इस क्वेश्चन में शुरू में तो मेंबर 3 है, बट एक शादी होने के बाद एक दुल्हन आती है और 1 साल के बाद एक बच्चा आता है, तो मेंबर 5 हो जाते हैं। तो मान लीजिए मदर हैं, बॉय हैं, उसके फादर हैं यानी पप्पा हैं, और एक ब्राइड है यानी दुल्हन है, डी से दुल्हन, और एक चाइल्ड है। अब इनकी एज 36 है, अभी अभी इन 6 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु अभी 36 वर्ष हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है तीन लोगों का, ये मदर और बॉय और उसके फादर, तीन लोगों की औसत आयु 42 वर्ष थी, बट ये 6 वर्ष बाद परिवार की आयु 36 वर्ष होती है, यानी कि अब 6 ऐड हो जाएगा, अब एवरेज आयु जो हो जाएगी वो 48 है अभी तत्कालिक, एवरेज ऑपरेशन से ये ऐड हो गया। और तो आपको ये दोनों का एवरेज एज पहले हम पता करेंगे इस क्वेश्चन में। तो देखिए 36 है और ये 48 है, तो कितना अधिक है, 12 अधिक है तो प्लस होगा 36 से ये, और तीन संख्या है इनकी तो तीन हो गया, यानी 36 वर्ष अधिक है, तो यहाँ पे माइनस 36 करेंगे बाई 2, यानी दो संख्या है तो दो से डिवाइड करेंगे, यानी माइनस 18 करेंगे, यानी इनकी एवरेज एज 36 है, सभी की एवरेज तो प्रत्येक का एज 36 वर्ष है, वो माइनस 18 कर देंगे, यानी कि इनकी जो एवरेज आई दोनों की, दुल्हन और चाइल्ड का, ये 18 ईयर आ गई एवरेज, ये दोनों का एवरेज है दुल्हन और चाइल्ड की। अब देखिए पता चल गई दुल्हन और चाइल्ड का एज जो है वो 18 ईयर है एवरेज एज 18 ईयर है दोनों का। तो ये दोनों का दुल्हन और चाइल्ड का 36 अभी तत्कालिक एज जो है औसत आयु 36 वर्ष है सभी की, तो ये 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है, यानी शादी के 1 साल बाद बच्चे का जन्म होता है, तो 6 साल बाद ये 36 ईयर है, यानी 6 साल पहले ये 30 ईयर हुआ होगा, बट 1 साल बाद बच्चा हुआ, तो यानी कि ये कह रहा है कि एक बच्चे का जन्म हुआ तथा आज शादी के 6 वर्ष बाद कर रहा और 1 साल बाद बच्चा हुआ, यानी बच्चा कितना अभी है तत्काल 5 ईयर का है, तो 36 टोटल एवरेज है परिवार का और 5 ईयर का बच्चा है, यानी कि 31 दुल्हन की एज है अभी तत्कालिक और अभी तत्कालिक बच्चे का एज है 5 ईयर। बट आपसे पूछा है दुल्हन की उम्र बताइए क्या थी, यानी अभी आप दुल्हन का उम्र नहीं बताना है, जब शादी हुई थी उस समय क्या थी, शादी के समय, तो आप 6 ईयर माइनस कर लीजिए, क्योंकि 6 साल बाद शादी की बात कर रहा है, तो ये दुल्हन की जो एज होगी वो 25 ईयर होगी, और बच्चे की अगर एज पूछता तो 5 ईयर होता, आज अगर एज पूछता तत्कालिक तो 5 ईयर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है ए बी और सी का औसत वजन 84 किलोग्राम है, यदि डी को भी शामिल करे तो 80 किलोग्राम हो जाता है एवरेज, औसत 80 किलोग्राम हो जाता है। ई का वजन डी से 3 किलोग्राम अधिक है तथा बी सी डी व ई की औसत 79 यानी 79 किलोग्राम है, तो ए का वजन बताओ। अगर इंग्लिश मीडियम है तो आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए।
द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 84 केजी इफ डी ज्वाइन द एवरेज वेट बिकम्स 80 केजी इफ एनोदर पर्सन ई हु इज 3 केजी हैवियर देन डी रिप्लेस ए देन द एवरेज वेट ऑफ बी सी एंड ई बिकम्स 79 केजी फाइंड द वेट ऑफ ए। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ए है, बी है, सी है और डी है, ये तीनों का, ये चारों का औसत, ये तीनों का तो औसत 84 केजी है बट डी शामिल होता है तो 80 केजी हो जाता है, और तीनों का ये औसत जो दिया हुआ है 84 दिया हुआ है, तो 80 से 84 यानी 4 अधिक है कितने पे, 3 पे, तो यानी 12 अधिक है, तो यहाँ पे माइनस 12 कर देंगे, 80 टोटल है ये, इसमें से 12 कर देंगे तो यानी कि माइनस 12 कर देंगे यानी 68 केजी वेट है डी की, यानी डी इज इक्वल टू 68। अब आपसे कह रहा है इसमें देखिए यहाँ पे ई का वजन डी से 3 किलोग्राम अधिक है बोला है, तो यानी ई इक्वल टू डी प्लस 3 यानी ई इक्वल टू 71। अब आपसे कह रहा है देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का एज है आपका 80 एवरेज है दिया हुआ है ए बी सी और डी का, यहाँ पे 80 केजी है डी सम्मिलित होता है, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 4 से मल्टीप्लीकेशन, ये एवरेज है 80 तो 4 संख्या है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल वैल्यू पता चल जाएगी, और जब आप रिप्लेस कर देते हैं ए को, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हिंदी मीडियम तो थोड़ा सा डिफिकल्टी है कि यहाँ पे बीच में लिख दीजिए ए को रिप्लेस करने के बाद यानी ए के जगह पे ई ज्वाइन करता है, तो यहाँ पे एक जगह पे ई ज्वाइन करता है तो यानी कि बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का एवरेज जो है 79 है, यानी कि यहाँ पे दे हुआ है बी सी डी व ई, बी सी डी ई का एवरेज 79 है और इनका टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 4 अगर 4 संख्या है तो 4 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। अब इसको माइनस कर दीजिए टोटल, तो देखिए बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी, डी से डी कैंसिल हो जाएगा और ई का आपको पता है 71 है एज, तो ए और माइनस ई इजकल टू, इसको मल्टीप्लीकेशन कीजिए, इसको मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 4 कॉमन कर लीजिए इसमें से और 80 माइनस 79 यानी कि 4 हो जाएगा और ए 71 है और 71 राइट साइड भेजिएगा तो 75 यानी ए की ए 75 हो जाएगी। ये आपका क्वेश्चन का आंसर रहा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है सोमवार मंगलवार बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 37 डिग्री है जबकि मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार का औसत तापमान 29.5 डिग्री है, तो सोमवार का औसत तापमान शुक्रवार से 37.1/2% अधिक है तो सोमवार का तापमान ज्ञात कीजिए। देखिए जो आप इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन लिख लीजिए, द एवरेज ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूजडे वेनसडे एंड थर्सडे इज 31 डिग्री एंड द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ट्यूजडे वेनसडे थर्सडे एंड फ्राइडे इज 29.5 डिग्री, इफ द एवरेज ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे वाज 37.1/2% मोर देन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे फाइंड द टेम्परेचर ऑफ मंडे। तो देखिए जो ये टेम्परेचर और डे का जो क्वेश्चन होता है इस पे क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मंडे प्लस ट्यूजडे प्लस वेनसडे प्लस थर्सडे का दिया हुआ है ये 4 दिन का, सोमवार मंगलवार बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत 31 दिया हुआ है, तो आपको पूरी वैल्यू पता करनी है तो 4 से मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा, 31 एवरेज है तो टोटल वैल्यू हो जाएगी, 4 से मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। और नेक्स्ट दिया हुआ है ट्यूजडे यानी देखिए मंगलवार, वेनसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे, एक्स्ट्रा फ्राइडे है ये दिया हुआ है आपका 29.5/4, 4 से मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो ये इसकी भी वैल्यू पता चल जाएगी, ये इसको माइनस कर दीजिए सभी को, तो आपको पता है थर्सडे से थर्सडे कटा, वेनसडे से वेनसडे कटा, ट्यूजडे से ट्यूजडे कटा, ये टी एच है थर्सडे है और यहाँ पर माइनस फ्राइडे और यहाँ से 4 कॉमन कर लीजिए तो ये हो जाएगा 31 माइनस 29.5 यानी कि 6 हो जाएगा,
एम माइनस एफ इजकल टू 6 हो जाएगी। बट आपको सिर्फ सोमवार को यानी मंडे का आपको वो तापमान पता करनी है, तो इसके लिए आपको एक इसमें हिंट दिया गया है। तो सोमवार का तापमान शुक्रवार से 37.1/2% है, यानी कि एम एफ आपको मैंने बताया था परसेंटेज में, आपने परसेंटेज लेक्चर देखा होगा कि इसको पूर्णांक को आप रेशियो में चेंज कर लीजिए, जो रेशियो आएगा 37.1/2 का यानी आएगा वो आएगा 3/8। यानी कहने का मतलब ये है कि सोमवार का औसत तापमान शुक्रवार से 37.1/2% अधिक है। इसका मतलब अगर इसका शुक्रवार का यानी फ्राइडे का टेम्परेचर 8 है तो मंडे का +3 के साथ 11 है, यानी मंडे का तापमान 11x है तो फ्राइडे का तापमान 8x है। तो ये दोनों का यहाँ पे 11x-8x=6, तो यहाँ से 3 यानी x=2, यहाँ से x=2 निकला। तो मंडे का तापमान 11x है तो 22 डिग्री और फ्राइडे का 60 डिग्री। ये आपका दोनों आंसर रहा। अगर आपको फ्राइडे का पूछता तब भी निकलता, अगर मंडे का निकलता तब भी मंडे का पूछता। एक मेथड तो ये था रेशियो को कन्वर्ट करके आपने कर दिया, दूसरा मेथड ये था कि आपको मंडे फ्राइडे दिया हुआ है तो मंडे का जो टेम्परेचर है वो फ्राइडे से 37.1/3 यानी 3/8 ऑफ फ्राइडे है। तो यहाँ पे मंडे इजकल टू पुट कर देते यहाँ पे फ्राइडे की जगह तब भी निकल जाता, वो हटाइए ये, बस यही रूल आसान है तो आप इसी पे सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये होमवर्क जैसे है, मान लीजिए ये दिया हुआ है 42 डिग्री है एवरेज टेम्परेचर और ये मंगलवार से शुक्रवार का जो टेम्परेचर है वो ये 35 डिग्री है। तो आपको बताना है इसमें सोमवार का औसत तापमान शुक्रवार से ये 37.1/2% ना होके ये मान लीजिए 40% अधिक है, तो आपको यहाँ पे फ्राइडे का तापमान यानी कि शुक्रवार का यानी फ्राइडे या शुक्रवार यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, शुक्रवार का तापमान बताइए। ये अपने से ट्राई कीजिएगा, यही मेथड लगेगा जो मैंने ये बताया था, बस डिजिट चेंज है और सोमवार की जगह फ्राइडे है। यहाँ पे एक चीज़ हो जाएगी, 40% का आप जब रेशियो चेंज कीजिएगा तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2/5 हो जाएगा, यानी कि शुक्रवार का टेम्परेचर 5 है तो मंडे का टेम्परेचर जो हो जाएगी वो 7x हो जाएगी, ऐड हो जाएगी अधिक है। तो अगर ये कम होती तो ये 3 हो जाती, 5-3 तो m की 3x हो जाती। तो सिंपल है क्वेश्चन, ये आप घर पे सोल्व कर लीजिएगा और आपको वीडियो इस लेक्चर में हम यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।